देखो भाई, इनिशियल में तो बराबर है। वो देखो थोड़ी सी आगे जा रही है अभी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं फिर से अभी आ चुका हूँ एक न्यू वीडियो को लेके। और ये जो वीडियो है ना, तो ये भाई वीडियो वो वीडियो होने वाला है जो कि भाई बहुत सारे लोग देखना चाहते थे। और ये जो वीडियो है ना, तो इसके अंदर हम लोग भाई देखने यही वाले हैं कि ये जो R15 का ये जो V3 वाला मॉडल है ना, तो वो क्या जीत पाता है ये हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 से या फिर नहीं। और वैसे भाई वीडियो शुरू होने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वीडियो क्लिप्स का क्रेडिट है ना, तो ये भाई आयुष वर्मा को जाता है। और वैसे भी भाई इस वाले वीडियो के अंदर ज्यादा कुछ नहीं बोल के सीधा का सीधा रेस जो है तो वो आपके साथ मैं देखने वाला हूं। तो वीडियो को भाई पूरा का पूरा देखते रहना। तो दोस्तों वीडियो जो है तो वो अभी हम लोग शुरू करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ना, तो इसी वीडियो के अंदर मैं पहले ही बोलना चाहूंगा कि आयुष वर्मा ने 3 अटेम्प्ट किया है और तीनों के तीनों अगर आपको देखना है तो आयुष वर्मा चैनल पर जाओ, जाके देखो। लेकिन दोस्तों मैं जो है ना, तो वो एक अटेम्प्ट दिखाने वाला हूं, क्योंकि भाई एक अटेम्प्ट के अंदर जो कुछ किया गया है ना, तो वो मैक्सिमम केसेस में ही हुए हैं। तो वीडियो जो है पहले मैं XMR चलाऊंगा, उसके बाद में R15 चलाऊंगा। आ जाओ वत्सल, चले स्टार्ट करें। स्टार्ट करो भाई। तीन हॉर्न। तो भाई जो आयुष वर्मा है ना, तो वो करिश्मा एक्जिमा 210 चला रहा है भाई, अभी देख ही सकते होंगे। देखो भाई, और पहले देखो R15 जो है तो वो पीछे रह गया है और ये हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 जो है तो वो आगे जा चुका है भाई। और ये तो भाई भागी जा रहा है, देख ही सकते होंगे। R15 पीछे हो गई। वैसे तो मीटर कंसोल सही से दिखा नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ भाई देख सकते होंगे बाइक जो है तो वो आगे है रेस में। अच्छा भाई ये जो बाइक है, ये जो यामा R15, तो ये भाई 120 जो किलोमीटर है तो उसमें ही चल रहा है, 122 हो चुका है। काम भर गया यार, डिस्टेंस मेंटेन करा। तो भाई पहले अटेम्प्ट में जो है तो वो भाई 6th गियर में R15 जो है तो वो एक हद तक तो भाई चल रहा था। लेकिन हाँ, कुछ बात ऐसा है कि हीरो करिश्मा वाला जो मॉडल है ना, तो वो भाई फुल थ्रॉटल देकर ही भाई चला 6th गियर तक। और भाई 6th गियर तक जो है तो वो ये जो हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 वाला जो मॉडल है, तो उसको भाई यामा का जो मॉडल है तो वो भाई पकड़ नहीं पाया। अब दोस्तों बात कुछ ऐसा है कि भाई आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कि ये जो हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 वाला जो मॉडल है, तो उसका क्या RS के साथ में एक जो ड्रैग रेस है, ड्रैग नहीं भाई रेस जो है, तो वो क्या देखना चाहोगे। और इसके अलावा ये भी है कि भाई यामा R15 जो है ना, तो उसके अंदर आपको 18 BHP का जो मैक्सिमम पावर है तो वो कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन भाई ये जो हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 वाला जो मॉडल है ना, तो उसके अंदर आपको 25.5 BHP का जो मैक्सिमम पावर है तो वो कुछ देखने को मिलेगा। इसी वजह से भी कहीं ना कहीं भाई ये जो बाइक है तो ये रेस के अंदर आगे था। तो दोस्तों ये वाला वीडियो आपको कैसे लगा ये कमेंट में बोल देना। और ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और हाँ, बैकग्राउंड जो है ना, तो वो इस तरीके का है क्योंकि भाई मैं रॉ चीज दिखाता हूं, भाई मैं कोई फेक चीज नहीं दिखाता। बाकी यहां वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज भाई लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसी तरीके का और भी कई सारे कुछ जो वीडियोस है तो वो देख पाओगे इस वाले चैनल में। तो वीडियो भाई देखने के लिए शुक्रिया। अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।